यूपी के सभी नगर निगमों नगर निकायों का कार्यकाल हुआ समाप्त। प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने जारी किया शासनादेश। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। भट्टट ब्लॉक स्थित वैष्णवी हॉस्पिटल व सत्यम हॉस्पिटल पर एसडीएम सदर नेहा बंधु ने की छापेमारी। नहीं मिला उपस्थित कोई डॉक्टर ना कोई डिग्री होल्डर कर्मचारी। कहा कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजी गई है रिपोर्ट। निर्देश मिलने के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। शिवपुर शहबाजगंज में एक वृद्ध महिला का 5 दिन पुराना मिला शव। मामला गुलेरिया थाना क्षेत्र का। एसपी नॉर्थ ने कहा मृतक के लड़के ने कहा पैसा ना होने की वजह से नहीं कर पाया दाह संस्कार, जो है नशे का आदि। शव को कब्जे में लेकर भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। योजना 2031 के आपत्तियों पर जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने की सुनवाई। कहा अभी तक 8000 नागरिकों के आपत्तियों की हो चुकी है सुनवाई। सभी नागरिकों की अलग अलग है समस्या। सभी समस्याओं को समिति में बैठक करके की जाएगी चर्चा। बोर्ड में रखकर समस्याओं को किया जाएगा पास। आगामी होने वाले नगर निगम एवं नगर निकाय के मद्देनजर वन मंत्री एवं गोरखपुर के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अरुण सक्सेना की अध्यक्षता में पार्षदों तथा भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। कहा महानगर के 80 वार्डों में से 65 सीटें जीतेगी भाजपा, बनाएगी ऐतिहासिक रिकॉर्ड। जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर को गोरखपुर महोत्सव समिति का बनाया गया नोडल अधिकारी। कहा 2023 का गोरखपुर महोत्सव होगा भव्य। जनपद के कलाकारों को अपने प्रतिभा को दिखाने का मिलेगा मौका। नगर निकाय चुनाव में नगर निगम के पार्षद प्रत्याशी व पिपराइज नगर पंचायत के प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय में करेंगे नामांकन। बाकी नगर पंचायतों का नामांकन होगा उनके तहसील मुख्यालय पर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। सपा के पूर्व विधायक और प्रदेश सचिव स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैतवार के 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पिपराइज विधायक महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। छाछठवीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के तीसरे दिन अंडर 19 बालक वर्ग 3000 मीटर दौड़ में मेरठ के दुष्यंत कुमार ने प्रथम स्थान तथा बालिका अंडर 19 में बरेली की विनीता गुर्जर ने मात्र 10 मिनट 26 सेकेंड में यह रेस पूरा कर पाया प्रथम स्थान। संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने दी जानकारी। और जनपद में बदलने लगा है मौसम का मिजाज। मंगलवार की सुबह छाया रहा घना कोहरा। सुबह 10 बजे निकला धूप। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने से मौसम होता जा रहा है सर्द।